क्या आपको यकीन है, ये डायलॉग आपने सुना होगा, क्या आपको यकीन है ट्यूबलाइट के ट्रेलर में, टीजर में, ट्रेलर तो नहीं है, टीजर में सुना होगा, पोस्टर्स में देखा होगा। ये डायलॉग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सूट कर रहा है फिलहाल बाहुबली 2 के वर्ल्डवाइड कलेक्शंस को। जी हाँ, बाहुबली का कलेक्शन जो है 1000 करोड़ पार कर लिया है और किसी को यकीन नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या आपको यकीन है कि बाहुबली का जो कलेक्शंस है इतना हो चुका है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, बट ये सच है। इंडिया की पहली फिल्म है जिसने 1000 करोड़ कमाने में कामयाब रही है। इसे कलेक्शंस बता देता हूँ इंडिया का और ओवरसीज मार्केट का। इंडिया में इसने जो कलेक्शंस किया है अभी तक का, वो जो नेट टोटल होता है वो है 625 करोड़, और प्रॉफिट पकड़ के जो एंटरटेनमेंट टैक्स पकड़ के हम जो ग्रॉस टोटल पकड़ते हैं वो है 800 करोड़ के पास। 800 करोड़ प्रॉपर फिगर्स फिलहाल तो बता रहे हैं। 800 करोड़ की अगर बात करें तो इंडिया में कमाई है, और इंडिया के बाहर ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने ऑलरेडी 200 करोड़ कमा लिया है। तो 200 करोड़ प्लस 800 करोड़ मिलके जो हमारा वर्ल्ड वाइड टोटल निकलता है वो है 1000 करोड़ का। जी हाँ, 1000 करोड़ फिल्म ने कमा लिए है, और फिलहाल हर जगह किसी फिल्म का नाम है तो बाहुबली 2 का है। और हाल फिलहाल में बीबीसी ने भी अपने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था जहां पे उन्होंने कहा कि बाहुबली 2 जैसी फिल्में इंडिया का नाम रोशन करी इंटरनेशनल स्टेज पर, और आने वाले सालों में ये मुश्किल नहीं हुआ कि जब बाहुबली जैसी फिल्में या इंडियन फिल्में बड़े लेवल पे अपना नाम मतलब बनाएगी और रोशन करेगी। बाहुबली 2 से उसकी शुरुआत हो चुकी है। कितने खुश हैं आप इसके कलेक्शन से, आप जरूर बताइए, और कहाँ तक इसका कलेक्शन जा सकता है? क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन है, मैं 1500 करोड़ ऑलरेडी 3 दिन पहले बोल दिया है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है 1500 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से ये पार जरूर करेगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।